इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। नहीं, यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश ही। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है महाभारत। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में, उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्म? जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पार कीजिए? भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन
जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।